स्टार प्लस के सुपरहिट शो फाल्टू का आज लास्ट एपिसोड आने वाला है, तो फाल्टू के जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज से इसके मेकर से, क्योंकि फाल्टू को फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस शो का टीआरपी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आता था। इस शो में हमें देखने को मिल रहा था आकाश आहूजा और निहारिका चोकसे की जोड़ी। इस शो में फाल्टू सिंह नामक एक लड़की की कहानी हमें देखने को मिल रही थी जो क्रिकेटर बनना चाहती है, और आकाश आहूजा इस शो में हमें आयन मित्तल के रोल में नजर आती थी जो मदद करती है फाल्टू सिंह को एक क्रिकेटर बनने में। उनके अलावा इस शो में सोनिया सिंह दृष्टि ठाकुर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में हमें नजर आई थी। इस शो का फर्स्ट एपिसोड देखने को मिला था 2022 के 2 नवंबर को, और यह शो हमें देखने को मिला था स्टार प्लस के रात को 9 बजे सोमवार से रविवार। इस शो का टीआरपी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसके बाद भी इस शो को आज ऑफियर किया जा रहा है, तो फाल्टू के जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज से फाल्टू के मेकर से और चैनल से। इस हफ्ते फाल्टू की टीआरपी 1.9 निकल गया था, तो काफ़ी ज़्यादा फाल्टू का अच्छा टीआरपी था। ये शो स्टार प्लस के टॉप 5 टीवी शोज में से एक था। उसके बाद भी इस शो का आज लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है, और फाल्टू शो के अंत में हमें देखने को मिलेगा आयन और फाल्टू की शादी होने वाली है, और फाल्टू और आयन की शादी के बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, और फाल्टू के जो फैंस है वो सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट स्टारों को ट्रेंडिंग कर रही हैं। जहाँ पर फाल्टू सिंह के रोल में निहारिका चोकसे को फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और इस शादी के जोड़े में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है, और फाल्टू शो को रिप्लेस करने वाला है राजन शाही का शो बातें कुछ अनकही सी। तो कल से हमें बातें कुछ अनकही सी देखने को मिलेगा सोमवार से रविवार रात के 9 बजे ओनली ऑन स्टार प्लस। तो आप कितना ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपके फेवरेट फाल्टू शो को कमेंट्स में बताना मत भूलेगा, और नई शो को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वो भी आप कमेंट्स में बताना मत भूलेगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।